शाहपुर में वोटिंग के बाद मंत्री अमरजीत भगत अपने परिवार के साथ वक्त गुजारते नजर आए हैं। मंत्री ने कहा कि चुनाव के चलते मां से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, साथ ही उन्होंने पांचवी बार सीतापुर सीट से जीत का दावा भी किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान 17 नवंबर को हो चुका है, ऐसे में इस वक्त हम मंत्री अमरजीत के बंगले में हैं और उनके साथ आज उनकी माँ भी दिख रही है। कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं वोट खत्म होने के बाद? हम तो पहले भी रिलैक्स थे, आज भी रिलैक्स है और आगे भी रिलैक्स रहेंगे। हमारे सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ना है। और सीतापुर विधानसभा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ का लोगों का झुकाव, लोगों का जुड़ाव ऐसा है कि वहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती है, अभी भी कांग्रेस ही जीतेगी और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस को ही लोग जिताएंगे। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी वक्त हो गया माँ से नहीं मुलाकात हुआ आज। हाँ, इस बार मेरे लिए बड़ा बेचैनी था कि मैं माँ से नहीं मिल पा रहा हूँ। और उस दिन भी नामांकन और स्क्रूटनी के बाद मैं तुरंत निकल गया, बाद में फ़ोन में बात किया था, अभी नहीं मिल पाया। तो माँ, पता चला कि अभी मैं रायपुर मीटिंग में निकलने वाला हूँ, तो खुद ही चली आई। काम अभी भी उसी तरीके से, आपके बंगले में हमेशा भीड़ रहता है? हमारे काम तो वैसे ही है, और लेकिन अभी जब तक अभी परिणाम नहीं आ रहा है तब तक लोग भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कहीं कोई बहुत ज़्यादा काम के लिए। जल्दीबाजी किसी को नहीं है, लोग अपने अपने गांव में क्या रहा उसी का समीक्षा, और सब लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, बोले कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ जवाबदारी पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी घोषणाएं हम लोगों ने की है अब उसको पूरा करने का वक्त रहेगा। उसमें बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती रहेगा उसको हम पूरा करना, और उसको सरकार के आने की बात करेंगे। तो ये थे मंत्री अमरजीत भगत, जो चार बार सीतापुर विधानसभा सीट से जीत हासिल कर पांचवी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी और मिलेगी। श्रवण महंत, News 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और अगली बड़ी खबर भिंड से है, जहां FIR पर तनातनी देखने को मिली है। FIR की मांग को लेकर थाना प्रभारी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने आ गए। महगांव में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह और महगांव थाना प्रभारी में बहस हो गई। तनातनी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मतदान के बाद BJP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था और कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया ने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन BJP के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी के चलते बात बढ़ी, बहस तक पहुंची, दोनों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई। तो भिंड से ये जानकारी, तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी और थाना प्रभारी के बीच ये कहा सुनी हुई। आरोप ये लग रहा था कि BJP प्रत्याशी के खिलाफ ना FIR की गई है, ना कार्रवाई की जा रही है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसी के चलते ये बहस। आज बारात में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और दोनों पक्षों में मारपीट हुई आपस में, तो एक पक्ष में FIR हो गई थी, दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR नहीं की जा रही थी। तो मेरा TI साहब से इतना कहना था कि भाई जो सही है उसको करिए। दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष के मुंह सूझे रखे हैं, तो दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। हमने न्याय की मांग की है यही हिसाब से, और थाना प्रभारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 15 मिनट में वो भी FIR कर रहे हैं और सबको न्याय मिलेगा। उस बात के बाद हम। और अब वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।